नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एक्सपोजिंग मेन स्ट्रीम पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर अभी मैं फ़्लैट अर्थ से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि फ़्लैट अर्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने, गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा, स्यूडो साइंस एटसेट्रा ने पूरी दुनिया को इफ़ेक्टिवली ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है कि हम एक घूमती हुई बॉल पे रह रहे हैं जो आवाज़ की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सूरज के चक्कर निकाल रही हैं और समुद्र उस पर उल्टे चिपके हुए हैं और लोग ऑस्ट्रेलिया में उल्टे रह रहे हैं। और जबकि जीरो प्रूफ है इस चीज़ का, जीरो प्रूफ। कोई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो अर्थ के मोशन को प्रूव करवा सके, कहीं कोई कर्वेचर नहीं है। ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल फिशाई लेंस से ये नकली कर्वेचर बना देते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को, इस सब्जेक्ट को मैं अपने चैनल पे लोगों को बता रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं एक्लिप्स के ऊपर बना रहा हूँ कि फ्लैट अर्थ के ऊपर ग्रहण कैसे लगता है। ज़्यादातर ये जो ग्लोब को मानने वाले लोग होते हैं, इनके पास एक ऐसा, पता नहीं, इनके दिमाग में ऐसा माइंडसेट होता है कि ये बोलते हैं कि जो ग्रहण लग रहा है वो चंद्रमा या पृथ्वी बीच में आके सूरज की लाइट को ब्लॉक कर देती है, इस वजह से ग्रहण लगता है और उसके अलावा और कोई वजह हो ही नहीं सकती ग्रहण की। और यही चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया, स्यूडो साइंस वगैरह यही सब बताते रहते हैं कि चंद्रमा ने आके लाइट ब्लॉक कर दी या पृथ्वी बीच में आ गई तो अंधेरा हो गया एटसेट्रा। लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये एक कपोल कल्पना है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक चीज़, जो मून के फेजेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आप नए हैं या आपको सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ताकि उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ कि फ्लैट अर्थ के ऊपर मून के फेजेस कैसे काम करते हैं। मून अपने आप में एक लाइट डिस्क है जो कि एक लो पावर लाइट सोर्स है। वो कभी भी सूर्य जितने हाई पावर लाइट सोर्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। आज अमावस का दिन है, 2 जुलाई, और आज सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में है, तो चंद्रमा पूरी तरह से अस्त हो गया है, वो कम्बस्ट हो गया है, उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही आज के दिन। आप चाहें तो आज के दिन पे कोई भी ज्योतिष की ऐप से दोनों की डिग्री चेक कर सकते हैं, सूरज और चंद्रमा की, वो आज एक ही राशि में हैं। जब आज एक ही राशि में होने के बावजूद चंद्रमा पूरी तरह से अस्त हो चुका है, एकदम उसका कोई प्रकाश ही नहीं रहा सूरज के हाई पावर लाइट सोर्स के सामने, लेकिन सडनली वो सूरज को एकदम से ब्लॉक भी कर देगा उसकी रोशनी को, ये कैसे संभव है? तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्लैट अर्थ के ऊपर एक्चुअली में जो एक्लिप्स है वो कैसे काम करते हैं। देखिए, ग्रहण तभी लगेगा जब राहु या केतु में से, स्पेशली राहु जब सूर्य या चंद्रमा के साथ क्लोज डिग्री पे आएगा। ज्योतिष में राहु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से ज्योतिष कम्युनिटी भी ब्रेन वॉश्ड हैं, वो भी ये मानती हैं कि चंद्रमा आके ब्लॉक ना कर देता है, और वो राहु को चंद्रमा का नॉर्थ नोड बोलते हैं और केतु को साउथ नोड बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में किसी भी हमारे वैदिक ग्रंथ में नॉर्थ नोड और साउथ नोड के बारे में नहीं जिक्र है, उनको सिर्फ राहु और केतु को एक अलग अलग ग्रह के तौर पर बताया गया है। ये ज़बरदस्ती का ज्योतिष कम्युनिटी ने मिस इंटरप्रिटेट कर दिया है कि ये राहु को इन्होंने नॉर्थ नोड बता दिया चंद्रमा का और केतु को साउथ नोड बता दिया, लेकिन वो दोनों अलग अलग ग्रह हैं। मैं खुद ज्योतिष का स्टूडेंट हूँ और मुझे मालूम है कि ज्योतिष की जो भी कैलकुलेशन है वो फ्लैट अर्थ के ऊपर बेस्ड है, जियोसेंट्रिक मॉडल के ऊपर, यानी कि अर्थ एक फ्लैट मोशनलेस प्लेन है, एक रेलम है, उसके ऊपर यूनिवर्स 360 डिग्री क्लॉकवाइज सर्किल में रोटेट हो रहा है, तभी ज्योतिष की सारी जो कैलकुलेशन है वो सही हो सकती है। अगर अर्थ एक स्पिनिंग बॉल होगी जो यूनिवर्स में ऐसे ही घूम रही है, तो ज्योतिष की कोई कैलकुलेशन सही नहीं हो सकती। ये एक ऐसा समय है कि इस समय ज्योतिष कम्युनिटी को इस कपोल कल्पना से बाहर निकलना चाहिए, हीलियोसेंट्रिक वाली जो फेक स्पिनिंग बॉल जो इनको दिखाते रहते हैं, और इनको रियलिटी को चेक करना चाहिए कि हम एक फ्लैट और मोशनलेस प्लेन के ऊपर रहते हैं। तो जो ये जो ग्रहण लगेगा वो तभी लगेगा जब राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ क्लोज डिग्री में कंजंक्शन में आएगा। राहु एक इंडिपेंडेंट ग्रह है, ये कोई मून का नोड्स नहीं है, राहु का कोई साइज़ नहीं होता, कोई शेप नहीं होती, लेकिन ये चीज़ 100% एग्जिस्ट करती है, ये उतना ही रियल है जितना सूर्य और चंद्रमा।
इसको छाया ग्रह बोलते हैं, शेडो ग्रह। अभी इस वीडियो को समझाने के लिए मैं एक इमेजिनरी राहु की ऐसी शेप बना रहा हूँ, हालांकि राहु की कोई शेप नहीं होती, लेकिन चूंकि वीडियो में समझाने में आसानी रहे इसलिए मैंने इस चीज़ को एक बार राहु अज्यूम कर लिया है कि ये राहु है। अब मैंने इसमें लिखा है, राहु इज़ द कॉज ऑफ एक्लिप्स नॉट मून और अर्थ। ये जो फेक हीलियोसेंट्रिक मॉडल है जो लोगों ने यूट्यूब पे चैनल बना बना के दिन भर ढकोसलेबाजी ना करते रहते हैं कि ऐसे ग्रहण लग गया, चंद्रमा ऐसे बीच में आ गया, पृथ्वी ऐसे बीच में आ गई और उसने लाइट ब्लॉक कर दी, इन लोगों को खुद को कुछ नॉलेज नहीं होता है और ये लिटरली ऐसे झूठ थूक उड़ाते रहते हैं और लोग इनकी बात मान लेते हैं। ये ऐसे बताते हैं कि पृथ्वी सूरज कैसे चक्कर निकाल रही है और सूरज के बीच में चंद्रमा आ गया तो उसने उसकी लाइट ब्लॉक कर दी तो यहाँ पे अंधेरा हो गया। तो मैंने अपने पहले कई सारी वीडियो जो अपलोड की उसमें मैंने ये बिल्कुल साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है कि अर्थ एक मोशनलेस प्लेन है, वो कहीं कोई चक्कर नहीं निकाल रही है, इसके ऊपर यूनिवर्स 360 डिग्री क्लॉकवाइज सर्किल पर घूम रहा है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हीलियोसेंट्रिक तो पिछले 500 सालों से ये प्रैक्टिस में लाया गया है, ये एक गैलीलियो, कॉपरनिकस एटसेट्रा, ये जो स्यूडो साइंटिस्ट थे इन्होंने पृथ्वी को एक ऐसे ही नकली बॉल बना दिया और इसको अंतरिक्ष में उछाल दिया और फिर नकली फोटोशॉप इमेजेस ये पिछले 50-60 साल से नासा वाले दिखा रहे हैं। ये सारा कुछ मैंने एक्सपोज किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हीलियोसेंट्रिक मॉडल काम ही नहीं कर सकता। एक्चुअल जो जो अर्थ का जो मॉडल है वो जियोसेंट्रिक मॉडल है, यानी कि अर्थ बीइंग ए स्टेशनरी फ्लैट प्लेन एंड अबोव विच यूनिवर्स रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स इन अ 360 डिग्री क्लॉकवाइज सर्किल, जो हमारी हकीकत है। आप चाहें तो ये चीज़ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि सूरज चंद्रमा जो हैं वो फ्लैट अर्थ के ऊपर क्लॉकवाइज सर्किल में चक्कर निकाल रहे हैं। तो ये जो फेक हीलियोसेंट्रिक मॉडल है इसके हिसाब से तो एक्लिप्स काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि शेडो इस तरह से काम नहीं करती है। और ये चंद्रमा तो खुद एक एक कमज़ोर लाइट सोर्स है, मतलब कमज़ोर इन द सेंस सूरज की तुलना में तो ये इसकी लाइट बहुत कम होती है। तो इतना कम पावर का लाइट सोर्स सूरज को कभी भी ग्रहण नहीं लगा सकता है। आज अमावस के दिन सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में है और चंद्रमा पूरी तरह से अस्त है, वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि सूरज और चंद्रमा एक साथ उदय हुए हैं और एक साथ अस्त हुए हैं। तो जब आज वो दिखाई नहीं दे रहा, उसकी शक्ति पूरी तरह से कम हो गई है सूर्य के प्रकाश के सामने, लेकिन सडनली यही चीज़ मतलब ग्रहण भी लगा देगी और एकदम अंधेरा कर देगी, ये कैसे संभव हो सकता है? पिछले वाले वीडियो में मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन की थी कि 10 वाट का एक लाइट सोर्स है वो 1000 वाट, जो 1000 वाट का जो लाइट सोर्स है उसको कवर नहीं कर सकता। ये चीज़ टेक्निकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आकाश में एक और चीज़ है जिसको ब्लैक सन बोलते हैं, राहु बोलते हैं, वो ही ग्रहण लगाता है। और अब मैं वीडियो में आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक इतना एक बड़ा टॉपिक है कि मैं इसको कम समय में समेट नहीं पाऊँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अब हम आते हैं ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों की क्या स्थिति है। 3 जुलाई जिस रात को, यानी कि 2 जुलाई की रात को इंडिया में ग्रहण लगेगा तकरीबन 11 से 12 के बीच में, और उस दिन मतलब रात का समय होगा, तो हमारे यहाँ से जो ग्रहण है वो विजिबल नहीं होगा। सूर्य ग्रहण वो सिर्फ लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उधर से ही वो नज़र आएगा। तो जिस समय ग्रहण लगने वाला होगा उस समय जो स्थिति है ग्रहों की वो ये होगी कि जो सूर्य है वो 17 डिग्री जेमिनाई में होगा, चंद्रमा है वो 23 डिग्री जेमिनाई में होगा और राहु है वो 23 डिग्री जेमिनाई में होगा। ये एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है। आज 2 जुलाई का दिन है और आज सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में हैं और राहु भी वहीं हैं, तो आज चंद्रमा जो है वो पूरी तरह से अस्त हो गया है। तो ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने डाटा जो नोट किया है वो इससे किया है, दृक् पंचांग से। ये एक ऐप है, आप चाहें तो इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, और एक और ऐप है स्टार ट्रैकर ऐप, आप उससे भी इस चीज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं दो अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा जो मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे मैंने आज के जो ये एक्लिप्स लगने वाला है उसके बारे में आप बताया है। तो ये जो फ्लैट अर्थ है, ये हमारा फ्लैट अर्थ मैप है, मैंने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो मैं चीज़ दोबारा से नहीं बता रहा इसमें। इसमें जो 12 राशि हैं, जो जोडियक बेल्ट है, वो क्लॉकवाइज सर्किल में ऐसे रोटेट होता है, 360 डिग्री क्लॉकवाइज सर्किल में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु जो है वो किस तरह से ग्रहण लगाएगा।
राहु एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ग्रह है और कलयुग में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट है। मैं एस्ट्रोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहूँ तो राहु के ऊपर एक अलग से आधे घंटे का पूरा वीडियो बना सकता हूँ और उसमें मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हमारी निजी ज़िंदगी में राहु का कितना एक इम्पैक्ट होता है और किस तरह से ये हमको प्रभावित करता है और हमारे जो जीवन की जो यात्रा होती है, सोल ऑब्जेक्टिव होता है, वो कहीं ना कहीं राहु के ऊपर बहुत ज़्यादा टिका हुआ होता है। लेकिन वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा और ये चैनल ज्योतिष का नहीं है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको यही बता रहा हूँ कि एक ये जो फ्लैट अर्थ है, इसमें आप एक बार इस सेक्शन को जेमिनी मान लीजिए, टोटल 12 सेक्शन होंगे क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं। तो जेमिनी में 2 जुलाई को सूर्य, चंद्रमा और राहु बहुत करीब हैं और चंद्रमा पूरी तरह से अस्त हो गया है क्योंकि उसका प्रकाश पूरी तरह से कम्बस्ट हो गया है, वो खो गया है क्योंकि सूरज के हाई पावर लाइट सोर्स की वजह से वो आपको दिखाई नहीं देगा। 2 जुलाई की रात को तकरीबन 11 बजे के बाद ये जो है ग्रहण है वो लगना शुरू होगा। तब होगा क्या कि जो सूरज है वो राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में आ जाएगा, ये तकरीबन 5-6 डिग्री के ही फासले पे होगा और उस समय राहु जो है वो सूरज को कम्प्लीटली ओवरशेडो कर लेगा। ये एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन ये इंडिया से विजिबल नहीं है। तो राहु इस समय इसको सूरज के ऊपर कुछ मिनटों के लिए अपना ग्रहण लगाएगा कि राहु एक ऑब्जेक्ट है जो एक इसको ब्लैक सन भी बोलते हैं, यही वो ग्रह है जिस वजह से सूरज के ऊपर अंधेरा हो जाएगा, मतलब वो दिखना बंद हो जाएगा। ये जो स्यूडो साइंस है वो ये बोलती है कि चंद्रमा ने आके ब्लॉक ना कर दिया, चंद्रमा ने सूरज के प्रकाश को नष्ट कर दिया या मतलब वो उस वजह से दिखेगा नहीं, लेकिन ये कंप्लीट नॉनसेंस है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये सिर्फ एक लाइट डिस्क है, सेमी ट्रांसपेरेंट, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि सूरज जितने हाई पावर लाइट सोर्स को ये ब्लॉक कर सके, ये कभी भी साइंटिफिकली और टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है ये हमसे जानबूझ के झूठ बोल रही है, छुपा रहे हैं इस चीज़ को, ये बताना नहीं चाहते हैं कि राहु नाम से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ग्रहण लगाता है। केतु भी ग्रहण लगाते हैं लेकिन केतु का जो ग्रहण है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। राहु पूरी तरह से सूर्य को कम्प्लीटली इसको कवर कर लेता है। इसके पीछे एक वैदिक स्टोरी भी है जो स्वर भानु राक्षस का भगवान विष्णु ने सर काट दिया था और जो हेड पार्ट है वो राहु बना था और जो टेल पार्ट है वो केतु बना था। मैं वैदिक माइथोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ लेकिन आसमान में कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जो सूरज को ढकती है और वो चीज़ राहु ही है। और इसका एक्चुअल वजह ये है कि जब भी ग्रहण लगेगा तब राहु वहाँ पे ज़रूर होगा। ये जो सोलर एक्लिप्स हो रहा है ये जुलाई के महीने में हो रहा है क्योंकि जैमिनी राशि में सूर्य हमेशा जुलाई के महीने में आएगा और इस वक्त राहु यहीं पे है। ये ग्रहण जून में नहीं लगा, मई में नहीं लगा, अप्रैल में नहीं लगा, अगस्त में नहीं लगा, कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि राहु उस समय पिक्चर में ही नहीं था। उस समय मैं इस साइंटिफिक कम्युनिटी से यही पूछना चाहूँगा कि उस समय आपके चंद्रमा ने क्यों लाइट को ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि चंद्रमा तो हर बार उसके सूरज के सामने से निकल रहा है या पास से निकल रहा है लेकिन उसकी लाइट तो ब्लॉक नहीं हो पा रही है। उसका इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि उसकी वजह यह है कि राहु उस समय कभी भी पिक्चर में नहीं था। राहु अभी जैमिनी में है और जुलाई के महीने में ही ये ट्रांजिट हो रहा है और सूर्य बिल्कुल राहु के करीब से गुजर रहा है इस वक्त, यानी कि 2 जुलाई की रात को, और इसीलिए उस वक्त इस पे ये जो ग्रहण लग रहा है। हमारे जो पुराने जो वैदिक ऋषि वगैरह थे वो आने वाले 50-50 100-100 साल तक के जो ग्रहण थे वो कैलकुलेट कर लिया करते थे। वो उनको कैसे पता चलता था? वो उनको तभी पता चलता था क्योंकि उनको ये मालूम रहता था कि राहु इस समय यहाँ पे है और इस समय सूरज और चंद्रमा इसके बहुत ज़्यादा करीब से गुजरेंगे और इस वक्त इसके ऊपर एक्लिप्स लग जाएगा। अगर अर्थ एक घूमती हुई बॉल है या वो यूनिवर्स में ऐसे ही नॉनसेंसिकली घूम रही है तो कोई भी ग्रहण को कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन सारे ही कल्चर में, चाहे वो वैदिक हो, इजिप्शियन हो, मायन हो, चाइनीज़ हो, सब में
ग्रहण को 50-50 साल पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया जाता था कि इस समय ग्रहण लगेगा, क्योंकि एक्लिप्स की जो भी कैलकुलेशन है वो जियोसेंट्रिक मॉडल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि अर्थ एक फ्लैट प्लेन है और उसके ऊपर यूनिवर्स क्लॉकवाइज सर्किल में रोटेट हो रहा है, और तभी आप ये जो राहु की जो रिलेटिव पोजिशन है उस वजह से आप इस ग्रहण को कैलकुलेट कर सकते हो। ये ग्रहण तभी लगेगा जब राहु सूर्य चंद्रमा के क्लोज कंजंक्शन में आएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि राहु केतु सूर्य चंद्रमा से बहुत दूर हो और ये ग्रहण लग जाए, क्योंकि ये चीज़ संभव ही नहीं है। और चंद्रमा सिर्फ एक लाइट डिस्क है, वो कभी भी ग्रहण नहीं लगाता है। ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या ज्योतिष कम्युनिटी है, क्योंकि इंडिया की जो एस्ट्रोलॉजर वाली जो कम्युनिटी है वो भी पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हैं, उनको भी ये चीज़ मालूम नहीं है कि अर्थ एक स्पिनिंग बॉल नहीं है और वो एक मोशनलेस फ्लैट प्लेन है, और उसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन ज्योतिष की बेस्ड है। अगर किसी ज्योतिषी को भी कोई ये बात बताई जाए कि अर्थ एक फ्लैट प्लेन है तो वो भी इस चीज़ को मानेगा नहीं, क्योंकि उसको खुद को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। वो यही समझता है कि सूरज के चक्कर निकाल रही है पृथ्वी और चंद्रमा बीच में आके लाइट ब्लॉक है ना कर देता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस साइंटिफिक कम्युनिटी से यही एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि चंद्रमा सूरज की लाइट ब्लॉक कर रहा है तो फिर ये ग्रहण अगस्त में क्यों नहीं लग रहा? फिर ये सितंबर में भी लगना चाहिए, अक्टूबर में भी लगना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब राहु क्लोज कंजंक्शन में होगा। राहु ही वो प्लैनेट है या वो ग्रह है जिसकी वजह से ग्रहण लगता है। अगर इस वक्त जैमिनी राशि में राहु नहीं होगा तो ये ग्रहण नहीं लग सकता। जितने भी ये जो ग्लोब को मानने वाले लोग हैं या ये जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग हैं, मैं इन लोगों को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपनली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे राहु नहीं होगा तो ग्रहण नहीं लगेगा। और अगर आपको आप में से किसी को भी इस तरह की गलतफहमी है कि चंद्रमा आके सूरज की लाइट ब्लॉक ना कर रहा है, तो मेरे को आप ये ज़रूर बताइएगा कि फिर अगस्त में क्यों ये लाइट ब्लॉक नहीं हो रही, सितंबर में क्यों नहीं हो रही, अक्टूबर में क्यों नहीं हो रही। उसका एक्चुअल टेक्निकल रीज़न ये है कि उन महीनों में सूरज जेमिनी में होगा ही नहीं, वो उससे आगे वाली राशियों में निकल जाएगा, कैंसर में, लियो में, वर्गो में, और वहाँ पे राहु नहीं है। राहु 18 महीने एक ही राशि में रहता है, तो इसलिए राहु अभी जेमिनी में ही रहेगा। इस वजह से ठीक 3 जुलाई 2 जुलाई की रात को ही ये चीज़ होनी पहले से प्री डेस्टाइन थी, इसलिए इसको पहले से प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि यहाँ पे इस वक्त ग्रहण लगेगा। यही इसका एक्चुअल रीज़न है, और ये जो सारी चीज़ है ये जियोसेंट्रिक मॉडल के ऊपर काम कर रही है। एक्लिप्स का जो रियल रीज़न है वो राहु और केतु है, क्योंकि 17 जुलाई को चंद्रमा जो है वो केतु के एकदम क्लोज कंजंक्शन में होगा, और उस समय सूरज उससे 180 डिग्री अपोजिट होगा, इसलिए चंद्रमा पे उस समय केतु हल्का सा ग्रहण लगाएगा, लेकिन वो वैसा ग्रहण नहीं होगा जो राहु लगाता है, क्योंकि राहु जब एक्लिप्स करेगा तो वो पूरी तरह से उस चीज़ को ब्लैकआउट कर देता है, लेकिन केतु कभी भी ब्लैकआउट नहीं है ना कर पाता है, वो उसका रंग चेंज है ना कर देगा, इसलिए वो रेड मून नज़र आता है कभी कभी, वो केतु की वजह से होता है। राहु और केतु 100% रियल हैं और ऑथेंटिक हैं। अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि राहु और केतु हमारे जीवन में कितना एक इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में बहुत कुछ फ्लैट अर्थ के ऊपर बताऊंगा, और इसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसीज वगैरह जो हैं, इल्यूमिनाटी वगैरह, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए, और मैंने 2 स्क्रीनशॉट इसके साथ अटैच किए हैं वीडियो में, वो भी आप इसको देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएं। थैंक यू सो मच।